ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि पर हम विशेष साधना के प्रयोग हम करते जा रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम अरहम न्यास का प्रयोग करेंगे। अरहम न्यास के प्रयोग हमने पहले भी किए हैं और बहुत ही एक अच्छी साधना कही जा सकती है, गहन साधना जिसको हम कह सकते हैं अरहम न्यास। तो आज और हम जानेंगे अरहम न्यास क्या, क्यों इसका हमें ध्यान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी आज की ट्रेनर मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है कोलकाता से। मैं मंजू जी से निवेदन करूंगा। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे निवेदन आप आज का सेशन शुरू करें। मंजू जी शिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन। के चरणों में वंदन। गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम सुप्रभात गुड मॉर्निंग। अभी नवरात्रा चल रहा है और शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति की आराधना की जाती है। हम सभी चाहते हैं हम शक्ति संपन्न बने, क्योंकि चेतना में हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद। यद्यपि हमें केवल आनंद चाहिए, हमारा हर पुरुषार्थ आनंद पाने के लिए है, सुख पाने के लिए है, लेकिन उसके लिए हमें पहले ज्ञान करना होता है, फिर शक्ति अर्जित करनी होती है। और उस शक्ति का नियोजन हम जब ज्ञान के साथ करते हैं तभी हमारा आनंद प्रकट होता है। आज हम जो अरहम ध्यान कर न्यास का ध्यान करने जा रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं अरहम मंत्र अरहत का पर्यायवाची है। अरहत यानी अरिहंत अरहंत। अरहंत वो है जिनकी समस्त शक्तियां प्रकट हो गई है आत्मा की। जैसा कि मैंने अभी बताया, सभी की आत्मा में अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद। तो अरहंत ऐसे व्यक्ति विशेष, निश्चित रूप से वो मनुष्य रूप में ही होते हैं, कोई भगवान या देवता नहीं कह सकते हैं, हम बिल्कुल हमारे जैसे मनुष्य थे। तो उन्होंने अपने शक्तियों का जागरण किया, ज्ञान को अनावरण किया और उन्होंने अनंत आनंद को प्राप्त किया। तो ऐसे अरहत का ध्यान करके, स्वयं को ऐसे अरहत से भावित करके हम भी अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो आज का जो प्रयोग है, हम सब जानते हैं ये शरीर क्या है, माटी का पुतला है ना, यही कहते हैं हम कि मिट्टी का पुतला है। तो आज सचमुच हमें इसे एक मिट्टी के पुतले के रूप में ही देखना है। जब हम ध्यान करेंगे तो अपने इस शरीर को एक मूर्ति की तरह बना लें, बिल्कुल स्थिर, फिर इसमें धीरे धीरे प्राण फूंकना है। धीरे धीरे प्राण भी फूंकना है इस मिट्टी के पुतले में और रंग भी करते चले जाना है, कलरफुल बिल्कुल।
तो आज हम स्वर्ण रंग का अपने आप को, इस मिट्टी के पुतले को एक मूर्ति के रूप में देखेंगे, और इस मिट्टी की मूर्ति में आपको स्वर्ण, सोने जैसा सुनहरा रंग भरना है धीरे धीरे, जैसे एक कलाकार ब्रश से अपनी पेंटिंग करता है। तो उसी तरह आप भी अपने मानसिक संकल्प के द्वारा अपने इस शरीर में अंगूठे से लेकर सिर तक सुनहरा रंग भरता चला जाएंगे और इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते चले जाएंगे, है ना। कोई भी मूर्ति जब मंदिर में स्थापित की जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो आज हम भी इस मिट्टी के पुतले में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो आप अरहम शब्द का मानसिक जप करते चले जाएंगे और बिल्कुल अपने संकल्प के द्वारा जिस भाग पे आप अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, चित्त को केंद्रित रखेंगे, वहां सुनहरे रंग को देखते चले जाएंगे और अरहम अरहम का मानसिक जप करते चले जाएंगे। और इस मानसिक जप के साथ ही आप ये अनुभव करेंगे कि वहां प्राण भर गया है, यानी प्रकंपनों को अनुभव करना है। प्रकंपन ही तय करते ना कि हम क्या है, प्राण है या नहीं है। एक मिट्टी की मूर्ति और हम कायोत्सर्ग में है, तो हम जब कायोत्सर्ग में रहते हैं हमारे शरीर में प्रकंपन अनुभव होते हैं, लेकिन एक मिट्टी की मूर्ति में प्रकंपन महसूस नहीं होते हैं। तो हमें अपने आप को जीवित प्रतिमा बनाना है और उसके बाद बिल्कुल अपने आप को अरहत के रूप में अनुभव करना है कि मैं पूरी स्वर्णिम हो गई हूं और मेरे कण कण में चेतना प्राण के प्रकंपन हो रहे हैं, और पूरी जागरूकता से यह अनुभव करेंगे कि मेरे भीतर भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत चैतन्य जागृत हो रहा है। और हम जैसा भावना करते हैं वैसे हम पुण्य शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि एक मिनट में मैं अर्हत बन जाऊंगी, लेकिन अर्हत होने की प्रक्रिया मुझ में शुरू हो जाएगी। आइए चलिए आज हम अरहम न्यास का प्रयोग करते हैं, स्वयं को अर्हत के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, उसमें प्राणों का संचार करेंगे और उसका। तो सभी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाई हथेली नीचे दाई हथेली। आंखें कोमल से बंद, चेहरे पे एक स्निग्ध मुस्कान। आप सभी ने मंदिरों में प्रतिमा देखी होगी अरहत भगवान की, चेहरे पे एक स्निग्ध मुस्कान रहती है, ऐसी मुस्कान जो हमें ये बताती है कि भीतर अनंत आनंद, अनंत आनंद। कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, इस मुस्कान के प्रति जागरूक रहे। पूरे ध्यान काल में आपकी ये मुस्कान बनी रहे, ये मुस्कान आपको रिलैक्स रखेगी, आपके भीतर आनंद को प्रवाहित करेगी। श्वास की गति मंद, पहले हम अरहम अरहम धीरे धीरे इसका जप करेंगे और अनुभव करेंगे हमारे मुख से निकलने वाले अरहम के शब्द हमारे चारों तरफ एक कवच का निर्माण कर रहे हैं। अरहम अरहम का कवच हमारे चारों ओर बनता जा रहा है। ये कवच हमें ध्यान काल में एकाग्रता और जागरूकता के बनाए रखेगा, बाहर से नकारात्मक शक्तियों को भीतर प्रवेश नहीं करने देगा और हम सहजता से ध्यान में प्रविष्ट हो पाएंगे। तो पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ अरहम का वाचिक जप करेंगे। अरहम अरहम अरहम।
मानसिक जप करते रहें पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ। ये अरहम मंत्र आपके चारों ओर एक सशक्त कवच का निर्माण कर रहा है। अपने चारों ओर सुनहरे रंग का साक्षात्कार करें। चमकता हुआ सुनहरा रंग और अरहम मंत्र का मानसिक जप करते चले जाएं।
शरीर की स्थिरता को साधो, पूरे शरीर को शिथिल करें, ढीला छोड़ दें। ढीला शरीर के किसी भी भाग में कोई अकड़न जकड़न नहीं। चेहरे की मुस्कान बनी रहे। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जा। अरहम मंत्र का मानसिक जप करें। अंगूठे में सुनहरे रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें, अंगूठा सुनहरे रंग का हो गया है। अंगूठे में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। और हम न्यास के साथ चैतन्य जागृत हो गया है। इसी प्रकार एक एक अंगुलियों पर चित्त को ले जाएं, सुनहरे रंग का साक्षात्कार करें, अरहम मंत्र का न्यास करें, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। इसी प्रकार तलवार एड़ी एक एक भाग पर चित्त को ले जाएं, संकल्प शक्ति द्वारा सुनहरा रंग भरें, अरहम न्यास करें, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। एक एक भाग पर अंगूठे से लेकर कटी भाग तक पूरे दाएं पैर को
अनुभव करें पूरा दाया पैर सुनहरा हो गया है, पूरे पैर में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। पैर के सभी भागों में अरहम मंत्र का साक्षात्कार करें। हर एक भाग पर अरहम अरहम लिखा हुआ साक्षात् देखें। सुनहरे रंग में अरहम लिखा, इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर पूरे पैर अरहम का न्यास करें, अरहम का साक्षात्कार करें, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें, सुनहरे रंग का साक्षात्कार। अनुभव करें बायां पैर सुनहरा हो गया, पूरे पैर में चैतन्य जागृत हो गया, ऊपर से नीचे पूरे पैर को देखें। शरीर का अधोभाग दोनों पैर
सुनहरे हो, चेहरे की मुस्कान बनी रहे, चित्त को भाग में ले आए, कमर से लेकर गर्दन तक और दोनों हाथ एक एक भाग पर चित्त को ले जाए। सुनहरे रंग का साक्षात्कार करते हुए अरहम का न्यास करें, परम मंत्र को लिखा हुआ देखें, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव कर। मानसिक जप द्वारा निकलने वाला एक एक अरहम शब्द आपके शरीर पर स्थापित होता चला जा रहा है, स्थापित होता चला जा रहा है। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ प्रयोग करते चले जाएं। अनुभव करें, शरीर का मध्य भाग भी पूरा स्वर्णिम हो गया, कण कण में प्रकंपनों का अनुभव। चित्त को कंठ के ऊपर के भाग पर ले जाएं,
पूरा चेहरा। और मस्तिष्क उनका न्यास करें, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। चेहरे की मुस्कान बनी रहे। अनुभव करें पूरा शरीर स्वर्णिम हो गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक शरीर के कण कण में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। स्वयं की स्वर्णिम मूर्ति का साक्षात्कार करें। चमकती हुई स्वर्णिम मूर्ति वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान। अरहम सोहम, अरहम सोहम, अरहम सोहम, मैं अरहत स्वरूप हूँ, मैं अरहत स्वरूप हूँ, मैं अरहत स्वरूप हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का सागर लहरा रहा।
मैं चैतन्यमय, मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का सागर लहरा रहा। मैं चैतन्यमय हूँ, मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत शक्ति का और अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही, उसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। कण कण में शक्ति और आनंद का अनुभव कर। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, सभी मेरे साथ पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। तीन बार सत्य को वंदन करेंगे, सभी वंदनासन में आ जाएं। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर अरहम न्यास का ध्यान अभी हमने किया। अब ध्यान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है हम आपके अनुभव भी शेयर करेंगे। इससे पहले हमने भी कई बार अरहम न्यास का ध्यान किया, तब हमने मार्बल की प्रतिमा का अनुभव किया था और आज हमने सोने की प्रतिमा, गोल्डन। बहुत बढ़िया अनुभव, नया अनुभव। तो मैं अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ एक एक करके। लक्ष्मी लता जी बैद, कैसा लग रहा है आपको? अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर। और आप लोग, आप जिन जिन से जोड़ते हैं ना, अभी ज्योति केंद्र परीक्षा उस दिन करवाए, आज मैम ने अरहम न्यास करवाया, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और हम लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं उसको उतारते हैं वो है। देखिए, ध्यान करने से अनुभव तो होते ही है, अनुभूति होती है, और तल्लीनता से अगर किया जाए तो उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो जैसा इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वैसा आपको अनुभव होने लगता है। सही में बहुत आनंद की अनुभूति, बहुत आनंद आया। चलिए, अच्छी बात है। निर्मला जी बोथरा, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। निर्मला जी जय जिनेन्द्र, सभी से बहुत अच्छा लगा मंजू भाई, इतना अच्छा करवाए ना। जब आप बोले कि पूरे शरीर में अरहम देखे, अरहम लिखा हुआ देखे, तो पूरे शरीर में एकदम हल्कापन लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा, पूरा शरीर जैसे सुनहरा हो गया। वास्तव में लग रहा था सुनहरा हो गया।
कहीं इधर उधर ध्यान हमारा भटका ही नहीं, इतना अच्छा से सदाना ध्यान बहुत अच्छा लगा। वैसे आप हमेशा अच्छा ही करवाते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। नहीं सब समझ में तो आ गया, इनका तो बात एक एक समझ में आता है। मनीषा जी नाटा एक तो ध्यान के समय इतनी तेज धूप का अनुभव और दूसरा अभी तक पैर में पीछे की तरफ लग रहा है जैसे कुछ फ्लो हो रहा है, बह रहा है और पैर के अंगूठे में अभी भी हल्की हल्की झनझनाहट हो गई है। तो अगर ऐसा रहे ना तो ध्यान के बाद कुछ क्षण रुक हिलना नहीं चाहिए, रिलैक्स प्रैक्टिस है। हाँ, इसीलिए मैं बीच में हिली नहीं थोड़ी देर। और ये फ्लो क्या हो रहा है में पीछे पिंडली की तरफ में ना अभी भी लगा कि कुछ फ्लो हो रहा है और बहुत प्रेशर से फ्लो हो रहा है। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, प्राण जागृत हो जाता है, प्राण जब जागता है प्राण का प्रवाह होता है तो ऐसा अनुभव होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हो। और आंख बंद करके भी इतनी तेज धूप का अनुभव हो रहा था कि मुझे लगा था मेरे शरीर में गर्मी बढ़ गई है। हाँ स्वर्णिम रंग से गर्मी बढ़ सकती है, बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसा लगे तो लास्ट में फिर ज्योति केंद्र कर लेना चाहिए। ज्योति केंद्र ध्यान समापन के बाद थोड़ी देर ज्योति केंद्र कर लो। हाँ कर सकते। ओम आगम जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सुंदर आज आरंभ का ध्यान। सर ने जैसे बोला कि ये मार्बल का लिया था, आज सुवर्ण का, सही में। लेकिन एक ही बात है कि स्थिर नहीं हो पाई मैं, यानी पूरा ध्यान होने तक प्रतिमा वैसे नहीं रही, गोल्डन दिखाई देती थी, बाद में थोड़ा सा अंधुप सा दिखाई देता था, लेकिन बहुत सुंदर। जब भी देखती थी ना गोल्डन प्रतिमा तो बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। अभी शब्द भी नहीं है मेरे पास, ऐसे लगता था कि मानो इससे बाहर ही नहीं आ जाए। जब भी आपने सोहम की कहा तो मैं बोला चलो अभी बाहर अपने को लौटना, इतनी मैं अंदर तल्लीन हो गई थी। बहुत सुंदर ध्यान और आप करवाते भी बहुत अच्छी तरह से हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी कोचर बोलिए। बहुत अच्छा लगा ध्यान में। मैं बीच में मोबाइल बंद हो गया, उससे डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अच्छा लगा, वापस ध्यान में चली गई थी। बहुत अच्छा लगा। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुमन जी पवार। ओम सर। ओम आराम। ओम आराम। बहुत अच्छा लगा ऐसे, मतलब बीच बीच में मैं थोड़ा सा हिल रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। पूरा ऐसे आंखें खुलने का मन नहीं हो रहा था, एकदम ऐसे ध्यान अच्छे से लग रहा था। मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप अरहम की जगह ओम भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप ओम में ज्यादा कंफर्टेबल हो आप ओम का भी जप इसी तरह कर सकते हैं। सुनीता जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी आज का ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ, एज यूजुअल जैसा कि मंजू जी कराती हैं तो ध्यान अच्छा ही सदा। मेरा एक क्वेश्चन है कि हर समय हम लोग अरहम न्यास में गोल्डन कलर को क्यों लेते हैं, इसका क्या कारण है? अरहम न्यास में हम गोल्डन और सफेद इन दो रंगों को देखते हैं। हाँ क्यों? जब हम छह लेशा की बात करते हैं तो हमारी अंतिम दो लेशा कौन सी है? तेज, पद्म और शुक्ल, है ना? तेज लाल है, पद्म गोल्डन है और शुक्ल वाइट है। अल्टीमेट हमें उसी जगह जाना है, इसीलिए हमने इन दो रंगों का चुनाव किया। बहुत बढ़िया सुनीता जी। इससे पहले हमने ध्यान किया था तो हमने सफेद रंग का किया था, आपको याद होगा मैंने करवाया था सफेद रंग का ध्यान आपको, और आज हमने गोल्डन रंग का किया तो आप गोल्डन और सफेद दोनों के अलग अलग अनुभव भी आए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। गोल्डन से ज्यादा एनर्जी फील हुई और श्वेत से मुझे लगता है शांति ज्यादा फील होती है। आई फील सो, मुझे ऐसा फील होता है। गोल्डन कलर में थोड़ी सी गर्मी आ सकती है, ऊर्जा ऊर्जा, हाँ ऊर्जा फील होती है। सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो उसमें इतनी गर्मी आने का हमें चांस कम रहता है। जैसे बहन जी बता रही थी, भी मनीषा जी भी, शरीर गर्म गर्मी लग रही है तो गोल्डन कलर में थोड़ी गर्मी आ सकती है, क्यों मंजू जी? हाँ तो अभी तो हमें चाहिए थी,
जैसे अभी शक्ति का था ना, तो इसलिए मैंने गोल्डन रंग को चुना कि अभी हम शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं नवरात्र में, तो हम क्यों ना गोल्डन रंग का करें। हाँ, तो एनर्जी हीट फील हो रही थी अपने आप में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। इससे हम सूर्य का सा एहसास जब होता है तो हम ये समझते हैं कि हमारे कर्म नष्ट हो रहे हैं, वो गोल्डन जो कलर है उसकी पवित्रता से हमारे जो कर्म है वो नष्ट हो रहे हैं। जैसे भक्तावर में भी कहा गया, बहुत सारे स्तुति ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि सूर्य का अवतरण हो जाए तो कर्म नष्ट हो जाते हैं। ओमरम वही फीलिंग हुई। शक्ति का जागरण जैसे मंजू जी ने शुरुआत में कहा, अभी हमारा अभी अभी जो हमारा चल रहा है शक्ति की आराधना कर रहे हैं हम नवरात्रि में, तो शक्ति का जागरण का अनुभव हमें आज साक्षात हुआ, बहुत सुंदर। और किसी भी भाई बहन की कोई भी जिज्ञासा, दो मिनट का समय हमारे पास है। आपको कि ये भी जैसे काफी दो तीन जिन्होंने एक बात कही कि शरीर की स्थिरता को कैसे साधें, तो क्या मैम बताएं कि जैसे उन्होंने हम लोगों को बताया था कि शरीर की स्थिरता के लिए पहले प्राणायाम का अभ्यास ध्यान करने से पहले करना आवश्यक होता है, तो मैं चाहूंगी कि मैम वो बात सबके साथ शेयर करें जो उन्होंने हम लोगों को बताया था, जिससे हम लोगों की स्थिरता और एकाग्रता में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही सच है कि देखिए ध्यान में अगर हमें लगातार बैठना है तो हमें शक्ति चाहिए ही शरीर की, तो प्राणायाम निश्चित रूप से जरूरी है। तो प्राणायाम जनरली जब ध्यान करवाया जाता है तो प्राणायाम का एक तरह से एक पैकेज ही रहता है कि पहले थोड़ी सी कपाल भाते फिर अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद हम महाप्राण ध्वनि करते हैं। तो इस क्रम से अगर हम ध्यान के पहले ये चीज करते हैं तो बिल्कुल हमें स्थिरता ज्यादा आती है। और जैसे कि कपाल भाती किया तो हमने अपनी शक्ति को जागृत किया, उसके बाद अनुलोम विलोम किया तो हमने उस शक्ति को चैनलाइज किया, संतुलित किया, उसके बाद जब हमने महाप्राण ध्वनि की तो उस शक्ति को हमने ऊपर भी पहुंचाया और अपने ब्रेन को भी हमने जागृत किया। तो शक्ति को जगाना, उसको संतुलित करना और फिर उसको ऊपर ले जाना और जागरूक करना, ये तरीका है लगभग ध्यान में जाने के पहले। तो ऐसा करने से बिल्कुल हमें ध्यान में हेल्प मिलती है। और कायोत्सर्ग के लिए हमें खाली कहना ही नहीं होता है कि रिलैक्स हो जाए, हमें अनुभव करना होता है कि हम किस तरह से, हम अगर अपने आप से ये कहें जब हम खुद प्रयोग करते हैं तो हमें स्वयं अपने शरीर को ये कहना चाहिए। जैसे मान लो दोनों पैरों को हमने लॉक किया तो हम अपने पैरों को ये कह सकते हैं कि भाई अगले आधे घंटे के लिए आपको कोई काम नहीं करना है, आप स्थिर हो जाइए। इसी तरह हाथों को वीतराग मुद्रा में स्थापित करके उन्हें भी ये कह सकते हैं भाई अगले आधे घंटे के लिए आपसे कोई काम नहीं लेना, मुझे प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, आप अपनी स्थिरता बनाए रखना। और फिर श्वास की गति जब मंद हो जाती है तो ऑटोमेटिक हमारी भीतर की सारी क्रियाएं क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, क्योंकि श्वास के साथ ही जीवन की गति है। भले हम हाथ पैर चलाएं या हमारी भीतर की क्रियाएं हैं, उनकी सबकी गति श्वास के साथ। तो ऐसा जब हम श्वास मंद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर क्या होता है, स्थिर होता चला जाता है, शिथिल होता चला जाता है। उसके बाद हम पूरा जागरूक होके अपने शरीर को शिथिल करें तो आई थिंक इट्स बेटर। तो हमें शब्दों की जरूरत नहीं है, अपने आप से अपने ये कह देते हैं अपने शरीर को तो ये संभव होता है। आप लोग करके देखें कभी ध्यान करें तो इस तरह से आपको जाता है। ध्यान का प्रयोग किया जाए हमने आज का तो वो ज्यादा मतलब सही, कोई भी ध्यान करो कायोत्सर्ग तो साधना ही पड़ेगा हमारा, उसके बाद ही कोई प्रयोग हो सकता है, उसके पहले तो संभव ही नहीं है। तो समय भी हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, तो दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। आंखें बंद रखिए। मैं चैतन्य में, मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं शक्ति में हूँ, अनंत तेरे भीतर, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का सागर, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का
परम साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं सुभाग्यों के साथ ओम शांति 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 ओम शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी, हम सब गुरुदेव के आभारी। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।